हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है। मैं इस बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक लेके आया हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी टफ भी है। अब आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखता है, तो चलिए डिस्कस किया जाए। ये सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, बी फॉर्म और इवन जो लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चलिए डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक डायग्राम है, इजी डायग्राम, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। काफ़ी देर तक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें टोटल 13 लेबलिंग है। 12 नंबर की लेबलिंग दो बार मैंने कर दी है बाय मिस्टेक, तो टोटल 13 लेबलिंग है। तो एक एक ऑर्गन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 13 लेवलिंग में पहले नंबर पे है यूरेटर। यूरेटर देखिए, दोनों साइड में मौजूद ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पाइप है जो पेयर्स में पाए जाएंगे, यानी कि दो होंगे। और ये क्या करेंगे, दोनों यूरेटर किडनी में बनने वाले यूरिन को पास करके लेके आएंगे ब्लैडर में। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यूरेटर आर पेयर इन नंबर्स एंड दे ब्रिंग यूरिन विच फॉर्म इन किडनी एंड इट कम्स इन यूरिनरी ब्लैडर। तो आपने इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यूरेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर है जो मस्कुलर होता है। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये यूरिन को स्टोर करता है। जब ये ब्लैडर भर जाता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है और हमारा ब्रेन जो है वो इसको सेंस कर लेता है कि हमको यूरिन पास करना है। ब्लैडर से यूरिन जो होता है वो डायरेक्ट निकलता हुआ यूरेथ्रा के जरिए बाहर की ओर ओपनिंग होता है। इसी यूरेथ्रा में यूरोजेनाइटल ट्रैक भी ओपन होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रैक भी ओपन होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आप लिख सकते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये यूरिन को कलेक्ट करता है जो कि किडनी से बन करके आ रहा है। किडनी में ब्लड के फिल्ट्रेशन से यूरिया जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और बहुत सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन के जरिए यूरिन के फॉर्म में निकलते हैं, जो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिन का फॉर्मेशन हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसको देखते हैं। अब इसके बाद आता है सेमाइनल वेसिकल। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर के बाद उसके नीचे है। तो अगर पोजीशन की बात की जाए तो पोस्टीरियो इन्फीरियर पोजीशन में होता है सेमाइनल वेसिकल। पोस्टीरियो इन्फीरियर पोजीशन टू यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या मतलब है? देखिए, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड यानी पीछे के साइड में, और इन्फीरियर यानी नीचे के साइड में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और पीछे के साइड में ये सेमाइनल वेसिकल होता है। ये ग्लैंड है और 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए आप इसको इमेजिन करिए, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और पीछे के साइड है। इसको पोस्टीरियो इन्फीरियर साइड कहते हैं। और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है फ्लूइड, जो पार्टली काफ़ी लगभग अराउंड 30-40% हिस्सा बनाता है सीमेन का। सीमेन वो लिक्विड है जिसमें स्पर्म तैरते रहते हैं। सीमेन जो वाइट कलर का लिक्विड आता है सेक्सुअल इजेकुलेशन में, इसका काम क्या है, ये अल्कलाइन पीएच मेंटेन करता है। देखिए क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में फीमेल में जो वजाइना होती है, वजाइना का पीएच नॉर्मली बिलो 7 होता है, यानी एसिडिक होता है। आपने वी वॉश का एड देखा होगा तो उसमें भी मेंशन करता है कि वजाइना के पीएच को एसिडिक कर देता है, जिससे
क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल में जो ब्लीडिंग होती है या ऐसे भी बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, इसलिए वहाँ का पीएच नॉर्मली एसिडिक होता है। बट सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो स्पर्म रिलीज होगा वो स्पर्म उस एसिडिक पीएच में वेस्ट यानी कि स्पॉयल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सेमाइनल वेसिकल से एक लिक्विड एक्सक्रीट होता है जो सीमेन का काफ़ी हिस्सा 40% से ज़्यादा हिस्सा बनाता है, पीएच को 7.2 यानी कि अल्कलाइन कर देता है। इससे क्या होता है कि पीएच को अल्कलाइन कर देने से न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा, मतलब अगर वजाइना के अंदर स्पर्म जाएगा तो स्पर्म को दिक्कत नहीं होगी बिकॉज स्पर्म के सीमेन में मौजूद सेमाइनल वेसिकल का जो लिक्विड होता है उससे रिलीज हुआ वो वजाइना के पीएच को बैलेंस कर देगा। तो ये सेमाइनल वेसिकल का फंक्शन था। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। ये भी पेयर्स में मौजूद है जैसे सेमाइनल वेसिकल था, यूरेटर्स था। तो वास डिफरेंस का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहाँ से? इपिडिडाइमस से। इपिडिडाइमस जो है वो नीचे एक ऑर्गन है जो टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। वहाँ से ले करके इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि आपके पीनिस के यूरेटर में, आप देख रहे हैं बीच में यूरेटर है जो पाइप जिसमें यूरिन और स्पर्म निकलते हैं, वहाँ तक ले जाने का कार्य कौन करता है? स्पर्म को। इपिडिडाइमस से उठाता है स्पर्म को और यूरेथ्रा तक ले जाने का काम कौन करता है? आपका वास डिफरेंस, ये इसका मेन काम है। अब ये लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है पीनिस के बार बार वजाइना के अंदर बाहर आने जाने से, उसमें ये पेरिस्टाल्सिस मोशन सारे ऑर्गन में होता है जैसे सेमाइनल वेसिकल में, तो उसमें वास डिफरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा ये होता है ये मोशन। तो इसकी वजह से स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, स्पर्म तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है पेरिस्टाल्सिस में। तीसरी चीज़ मैं बता दूं, इंजुइनल कैनाल जो होती है स्टमक में एब्डोमेन के नीचे, इंजुइनल कैनाल जो होती है उसमें से होकर के ये गुजरा होता है। कई बार इंजुइनल हार्निया किसी को होता है तो वो हार्निया इस पाइप को दबा भी देता है जिसकी वजह से स्पर्म का पासेज नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जब किसी मेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी की जाती है तो मतलब मेल को बांझ बनाया जाता है, तो इसी पाइप में गांठ मारी जाती है, इस पाइप को काटा जाता है, यानी कि प्रजनन को रोकने के लिए भी इस पाइप को यूज़ किया जाता है काट करके या गांठ लगा करके। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके वास डिफरेंस के नीचे आपको दिख रही है, आपके सेमाइनल वेसिकल के नीचे भी है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये छोटी सी ग्लैंड होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के ऊपर होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की खास बात क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल बनाता है जो प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल में भी फीमेल में भी, समझिए इस चीज़ को। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेट ग्लैंड से बना हुआ जो फ्लूइड होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ हार्मोन्स रहते हैं, ये जब रिलीज होते हैं तो मेल को प्लेजर यानी अच्छा लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो अच्छा लगने वाला पार्ट है वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही जब स्पर्म रिलीज हो रहा होता है तो उस वक्त प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल की वजाइना में जाता है, ये फीमेल की वजाइना में उसको भी प्लेजर फील कराने में काफ़ी रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये फीमेल की वजाइना के अंदर पल्सेटिव मोशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है जिसके वजह से फीमेल को ऑर्गेज्म होता है, उसको अच्छा फील होता है और स्पर्म तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। यानी कुल मिला जुला के अगर प्रोस्टेट ग्लैंड सही काम ना करे, उसका सिक्रीशन अच्छा ना हो, तो स्पर्म जो है वो कायदे से इजैकुलेट होने के बाद यूरेथ्रा में
यूरेथ्रा से रिलीज होने के बाद अंदर बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगे, वोम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जिंक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और स्पर्म को एक्टिवेट रखता है, ये 500 गुना ज़्यादा यानी 500 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है ब्लड से, किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रिलीज़ को कंट्रोल करता है, यानी कितना टेस्टोस्टेरोन बनेगा उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम बनेगा तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म कम बनेंगे, मेल कैरेक्टर कम डेवलप होगा, तो यानी बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके बाद बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है जिसे प्री इजैकुलेशन कहते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को पाइप के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर। सपोज करिए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहा है कोई मेल, और उसने अभी यूरिन पास किया, तो यूरिन के वजह से या यूरिन में मौजूद गंदगी के वजह से जो यूरेथ्रा की पाइप है अंदर जिसमें से स्पर्म को होकर के गुजरना है, वो ख़राब हो जाएगी और एसिडिक भी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है उसने क्या खाया है, तो अगर वो पाइप एसिडिक हो गई तो स्पर्म जब निकलेगा तो स्पर्म ख़राब हो चुका होगा, और रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर पाएगी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। ऐसे में स्पर्म के आने से पहले एक लिक्विड आता है जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से बना हुआ लिक्विड होता है, उसको प्री इजैकुलेशन कहते हैं। ये स्पर्म जितना गाढ़ा नहीं होता बट कम गाढ़ा होता है, कम इसकी विस्कोसिटी कम होती है, और ये पूरे पैसेज को क्या करता है कि एल्कलाइन कर देता है ताकि स्पर्म को कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि प्री इजैकुलेशन जो स्पर्म के आने से पहले आता है उससे कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद सातवें नंबर पे यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा एक सिंपल पाइप है जो पेनिस के बीच से गई है, जिसमें से प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सीमेन, स्पर्म और यूरिन सब पास करते हैं। हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब स्पर्म पास करेगा तो यूरिन पास नहीं करेगा, जब यूरिन पास करेगा तो स्पर्म पास नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पूछे ये क्यों होता है, तो इसको कंट्रोल करता है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। 90% प्रोस्टेट ग्लैंड और 10% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक साथ दोनों कभी भी पास नहीं करते, यानी कि अगर कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है तो उसको यूरिन का अर्ज नहीं होगा। अगर किसी को यूरिन का अर्ज हो रहा है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसका पीनिस उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं पीनिस की। पीनिस के अंदर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम करके दो मस्कुलर क्वार्टर होते हैं, जिसके अंदर ब्लड जाता है तो वो इरेक्टाइल या फिर स्ट्रांग हो जाता है, कड़ा हो जाता है, ताकि वजाइना को पेंट्रेट कर सके। कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये आप, मैं जब हिस्टोपैथोलॉजी का वीडियो बनाऊंगा तो इसको डिटेल में बनाऊंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करिए, और प्लीज़ कैसे भी करके मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को 1000 प्लस करवाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होकर के आपके लिए वीडियो बना सकूं। इसके बाद बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये भी पेयर में होता है, और यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, स्पर्म की फैक्ट्री है ये। अगर इसमें दिक्कत हो जाए तो स्पर्म बनना कम या हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा या अच्छे स्पर्म नहीं बनेंगे, तो मेल कभी भी बाप नहीं बन सकता, उसका स्पर्म कभी भी बेबी कंसीव करने के लायक नहीं रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं टेस्टिस के ऊपर इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या है? इपिडिडाइमिस 6 से 7 मीटर लंबा क्वाइल डक्टस स्ट्रक्चर होता है, डक्ट जैसा होता है, क्वाइल होता है, इसको क्वाइल करके टेस्टिस के ऊपर रखा गया है। तो ये देखिए इपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि
इसको कॉइल किया गया है, कॉइल करते हुए गया है। तो सोचिए 6 से 7 मीटर लंबा एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस के ऊपर कॉइल करके इस तरह से रखा होता है कि कोई दिक्कत ना हो। या इसके बारे में ख़ास बात मैं बता दूं, एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता जरूर है बट वो मैच्योर नहीं होता है। तो एपिडिडाइमिस में क्या होता है, 7 मीटर तक बार बार राउंड 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 घूमते घूमते जब वो पहुंचता है वास डिफरेंस तक, तब तक काफ़ी मैच्योर हो जा चुका रहता है। तो यहाँ पे आपके एपिडिडाइमिस में 6 से 7 मीटर के राउंड स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और ये क्या करेगा, इसको स्पर्म को मैच्योर करेगा। यहाँ मैं बता दूँ कि टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल होती है और क्या कहा जाता है, इसी टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है। सर्टोली सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब बायोजेनेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये और डिटेल में आएगा। इसके अभी हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं जस्ट, तो रफली इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर पे फोर स्किन। फोर स्किन क्या है, फोर स्किन पेनिस के ऊपर की स्किन है जो आगे पीछे होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में और इजैकुलेशन में रोल प्ले करती है। उसके आगे का जो हिस्सा होता है उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। ग्लैंड्स पेनिस पिंक कलर का स्ट्रक्चर है। ये जो होता है ये डोम शेप में होता है और इस ये वजाइना को पेंट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद 13 नंबर पे जिसे बाय मिस्टेक 12th लेबलिंग कर दी गई है, प्रिप्यूस एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए प्रिप्यूस जो है वो फोर स्किन और ग्लैंड पेनिस जहाँ पे जुड़े होते हैं वहाँ का मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि पेनिस जब इरेक्ट होता है, कड़ा होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तब उसकी स्किन को पीछे करके देखा जाएगा तो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है जहाँ कभी कभी वाइट कलर की एक लेयर जम जाती है, उस हिस्से को प्रिप्यूस कहते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि प्रिप्यूस में बहुत सारी नर्व पाई जाती है जिनका ब्रेन से लेना देना होता है। और यहाँ पे जब फोर स्किन आगे पीछे होती है, ग्लैंड पेनिस और प्रिप्यूस को रगड़ती है तो ये नर्व जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं और स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर रफली, बहुत शॉर्ट में डी फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत डिटेल में मैं इसे बी फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बंधु, उनके लिए भी मैं बनाऊंगा। और ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत से मैं इसे बनाता हूं और मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जिनके ज़रिए आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्रंट व्यू था, ये साइड व्यू है। ये स्ट्रक्चर भी ईजी है, आप बहुत ईजीली इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम। स्क्रोटम मैं नहीं बताया वहाँ पे बिकॉज फ्रंट व्यू में स्क्रोटम कभी कभी नहीं समझ में आता है। टेस्टिस जिस थैले में रखा है उसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम की खास बात मैं बता दूँ, स्क्रोटम जो होता है जब बच्चा बन रहा होता है, पैदा होने से पहले, बच्चे के पैदा होने से 1 महीने 2 महीने पहले इंजुइनल कैनाल जो होती है एब्डोमेन में जो छेद होता है उसमें रखा होता है। बच्चे के जस्ट पैदा होने के 1 महीने पहले क्या होता है कि ये स्क्रोटम बाहर लटक जाता है, टेस्टिस इसके ज़रिए बाहर लटक जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्क्रोटम, एक ख़ास बात क्या है स्क्रोटम की, कि अगर स्क्रोटम का तापमान, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा या बॉडी टेम्परेचर के बराबर भी रहा, यानी ओवरऑल टेम्परेचर ज़्यादा रहा, तो यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन स्लो या ना के बराबर होगा। यानी आपका स्क्रोटम हमेशा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए, तो यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होना चाहिए। तो स्क्रोटम जो होता है वो फैल या सिकुड़ सकता है। आप जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं वो
फील किए होंगे, उनका जो स्क्रोटम होता है वो कभी बहुत ढीला हो जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर वो ढीला रहता है और ठंड में सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस जो होता है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल इसमें इन्वॉल्व होती है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म ओवा का। यहाँ इतना जान लीजिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाएगा। ऐसे में टेस्टिस के अंदर, सॉरी स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर वे में होता रहे इसके लिए स्क्रोटम फ्लेक्सिबल होता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फैल करके काफ़ी बड़ा हो जाता है और परस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ करके एनर्जी को स्टोर करता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये अगर आप पेन से स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे डी फॉर्म के मेरे भाइयों को, बहनों को, सारे स्टूडेंट्स को मेरा ऑल द बेस्ट, और आप इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर साल आता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं आगे जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचाइए प्लीज़।